अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो एक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए है, ठीक है। वो इन पेज कह लें या फिर कुछ ऐसे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि फोटोशॉप है, वो भी अपग्रेड हो जाता है और काफ़ी हाई दर्जे तक अपग्रेड हो जाता है। इसी तरीके से इन पेज है, वो भी अपग्रेड हो जाता है और काफ़ी और सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। स्टेप बाई स्टेप सब चीज़ें शेयर होती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन पेज के रिलेटेड है कि इसमें जो है वो हम ये जो फॉन्ट होते हैं खूबसूरत स्टाइलिश वाले, ठीक है, डिज़ाइनिंग वाले, उनको कैसे जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं फॉन्ट बता दूँ होते क्या हैं। ये मिसाल के तौर पर मेरा एक नाम है, ठीक है, तो इसको जो है वो मैंने सेलेक्ट किया और अपने ये जो फॉन्ट है इनकी मदद से जो है वो मैं इसको अब करने वाला हूँ ट्राई, क्या इसका स्टाइल चेंज होता है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो मेरे पास मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत तरीके से जो है वो फॉन्ट जो है वो सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इनको हमने जो है वो अपग्रेड कैसे करना है, ठीक है, आज की वीडियो कुछ इसी के रिलेटेड है। तो मूविंग टूल, ये टूल्स होते हैं, ठीक है, अगर गलती हो भी जाए तो ये वाला टूल जो होता है वो हमारा वर्क करता है। ये जो मूव टूल है इससे निज़ाम कुछ और चीज़ों को छेड़खानी करने के लिए होते हैं, जैसे कि ये अभी कह लें कि मेरा नाम ही है, ठीक है, ये फॉन्ट की वजह से कुछ इस तरीके से हुआ है। तो ये देखें, ठीक है, अब इनको जो है वो हमने मज़ीद जो है वो अपग्रेड कैसे करना है, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है वो फॉन्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि ये पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये आपको नेट से भी फॉन्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आप नेट पे अगर सर्च वगैरह करेंगे तो आपको अनलिमिटेड फॉन्ट मिल जाएंगे, 500-500 का मैंने भी नेट से ही लिए हुए हैं, खुद मेरे अपने तैयार हुए नहीं हैं, ठीक है। तो इनको चलाने का तरीक़ेकार क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है अभी, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना, ये हिंदी के फॉन्ट हैं, ठीक है, तो मुझे फ़िलहाल हिंदी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको दूसरे सिस्टम पे अलग-अलग ट्राई करके उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये फॉन्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनके कुछ स्टाइल वगैरह हैं फॉन्ट के, तो इसी तरीके से ये पड़े हुए हैं, ठीक है, ये उर्दू में भी हैं, ठीक है, अरबी में भी आपको मिल जाएंगे, ये अरबी में पड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से इनके जो लिखाई वगैरह है उनके अलग-अलग जो होते हैं वो कमाल होते हैं, ठीक है, एक चीज़ को खूबसूरत करने में। इनके दो तरीके कार हैं इंस्टॉल करने के, एक तो ये कि आप यहाँ से इसको एक एक करके भी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, ये बल्कि सारे मेरे पास इंस्टॉल हैं, ये वाले इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। इसको आप सारे सिलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल फॉर आल यूज़र, तो यहाँ से आल यूज़र में अगर करना चाहते हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है, और वैसे अगर इंस्टॉल पर भी क्लिक करेंगे तब भी हो जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सारे इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जो है वो मेरे इस जगह पे जो है, जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करके सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन करूँगा तो मेरे इस जगह पे ये जो है वो सारे के सारे जो है फॉन्ट्स इस जगह पे मेरे आ जाएंगे। कुछ बाज़ औक़ात मिसिंग हो जाती है एक आध की, लेकिन ये है कि नहीं तो ये सारे के सारे जो है वो वर्किंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन फॉन्ट की मदद से जो है वो आप अपनी वीडियोज़ को जो है वो या फिर अपनी लिखाई को खूबसूरत कर सकते हैं। अगर आपने कुछ चीज़ें तैयार करनी हैं तो ये आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा देंगे खूबसूरती में, ठीक है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो है, ठीक है, अगर तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर नहीं पसंद आई तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, ताकि मैं वक्त के साथ अपने आप को भी अपग्रेड कर लूं, जैसे इस सॉफ्टवेयर ने फॉन्ट की मदद से राइटिंग को अपग्रेड किया। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त मांगता हूँ। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।